हमने आपको वेटिकन सिटी में की सैर कराई थी, वहाँ की सिस्टिन चैपल जिसको दुनिया का आर्ट का बेहतरीन नमूना कहा जा सकता था, इसी तरह का ये छत भी आपको यहाँ नज़र आ रही है लूअर म्यूज़ियम के अंदर, जो कि सुनहरी काम किया गया है और मुझे लग रहा है कि सोना का पानी चढ़ा होगा इसके अंदर, बिल्कुल उसी स्टाइल के ऊपर जैसे कि वेटिकन सिटी में सिस्टिन चैपल के अंदर जो ये खारा काम किया गया था। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये रिलीजियस आर्ट का बेहतरीन नमूना है जी, ठीक है ना, आपको रिलीजियस आर्ट के नमूने इसमें नज़र आते हैं। ये मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ बड़े बड़े पेंटर जो दुनिया के रहे हैं, उन्होंने इस मौजज़ाती वाक़े को अपने अपने मुख्तलिफ अंदाज से नक्श किया है और उसकी ये नक्काशी आपको नज़र आ रही होती है इसके अंदर, ठीक है, नक्श किया गया है। ये बड़ी ख़ूबसूरत पेंटिंग जो कि रिलीजियस पेंटिंग का एक शाहकार कहा जा सकता है जी जी, ये भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वो गियाटो, पियालो, विकेलो और डोनाटेलो, एंटोनियो और ये मुख्तलिफ जो आप कह लें कि इस दौर के अंदर पेंटर्स थे उनकी पेंटिंग्स, ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रही जी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये सेंट थॉमस के जो फतह थी, ठीक है ना, ये उसको नक्श किया गया है यहाँ पे पेंटिंग के ज़रिए से, एक उमदा आपको आर्ट का नमूना नज़र आते हैं। इस वक्त आप देखें ये पेंटिंग सेक्शन है लूअर म्यूज़ियम का जी, जहाँ दुनिया के नायाब तरीन पेंटिंग के नमूने आपको नज़र आएंगे जी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग किसी दौर के अंदर बनाई गई है जी। ये छत देखिए आप, ये छत जो बनाई गई जैसे सिस्टिन चैपलिन आपको छत नज़र आएगी वेटिकन सिटी के अंदर जाते हुए, वैसी इस छत को जो है वो डिक्योर किया गया है, खूबसूरत पेंटिंग नक्काशी की गई है, वाटर कलर का एक आला नमूना आपको यहाँ नज़र आता है। और ये जो छतों को पेंट करना है, ये पुराने ज़माने के अंदर जो बादशाह हुआ करते थे वो अपनी सरकर्दगी में उसको बनाया करते थे और इसको मजहबी फरीज़ा समझकर उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। ये तस्वीर जो है वो तकरीबन 1520 या 1525 के दरमियान कहीं बनाई गई है जी। बर्नार्डिनो लियोनी, इन्होंने ये तस्वीर बनाई थी जी। काजी साहब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो इस वक्त हम छत के ऊपर क्या क्लासिकल काम हुआ है और ये सारा हिस्टोरिकल है, ये इनकी पेंटिंग प्लस मुजस्मा साजी है और यहाँ पे आके तो इंसान दंग रह जाता है कि आज से पहले की सिविलाइजेशन जो है वो कैसी थी। यकीन कीजिए कि यहाँ दो दिन का पास मिलता है और शायद दो दिन भी कम है इस आर्ट गैलरी का अहाता करने के लिए, यकीन मानिए। सो वंडर वंडर वंडरफुल डे जी, आज मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम दिन है कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ यहाँ लूअर म्यूज़ियम में जी। जनाब पेरिस में आप हों, लूअर म्यूज़ियम की आप सैर कर रहे हो और आपके साथ कोई हमनफस ना हो, कोई हमनशी ना हो, कोई आपका यार ना हो, तो यकीन कीजिए कि पेरिस में आपका आना यकीनन उस तरह सूदमंद नहीं हो सकता कि जैसे कि होना चाहिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ मेरे कज़न काजी नसीर साहब मौजूद हैं जिन्होंने मेरे इस टूर को चार चांद लगा दिए जी। ये यकीनन अगर ना होते तो मेरे लिए नामुमकिन था कि मैं यहाँ आता जी। जी जनाब ये एक और आप हाल में हम दाखिल हो चुके हैं इस वक्त और मैं सबसे ज़्यादा जो मशहूर कुन चीज़ है वो यहाँ की इनकी छतें हैं जी, ठीक है ना। इसकी बुलंदी देखिए आप, किस कदर बुलंद है ये, और यहाँ पर जो काम किया गया यकीनन कई सालों पर मुहित ये काम होगा और इस काम से लोग महसूस हुए होंगे। ये आर्ट के नमूने ये किसी भी मुल्क की सिविलाइजेशन को, उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं जी और ये बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है। उनकी तस्वीरें हैं जी, ये आप देख सकते हैं मोना लिसा की पोर्ट्रेट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो बताई गई हैं कि हु वाज मोना लिसा, वो कौन थी जी और उसको किसने पोर्ट्रेट किया है जी, और उसकी ये जो पोर्ट्रेट है इसके बारे में जो मुख्तलिफ मुशगाफियाँ हैं फ़नी लिहाज से, जो टेक्निकल लिहाज से चीज़ें वो सारी की सारी यहाँ मौजूद हैं जी। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये मैं मोना लिसा की तस्वीर के एन पीछे मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है,
ठीक है ना, मोनालिसा की वो तस्वीर शोरा आफाक उसने नाजिश आपकी खिदमत में हाजिर है। देखते हैं इसको कि ये इस वक्त लूअर म्यूजियम में इस हाल नंबर 711 में बहुत ज़्यादा रश है, हज़ारों की तादाद में यहाँ से यहाँ मौजूद है और मैं आपके सामने मोनालिसा की असल तस्वीर के सामने खड़ा हूँ इस वक्त। सिक्योरिटी हिसार है जी, यहाँ सिक्योरिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, वो मुझे इस बैरियर से आगे नहीं जाने दे रहे। लूअर म्यूजियम पेरिस में ये आप देखें लियोनार्डो डा विंची का एक शाहकार आपके सामने ला रहा हूँ, ये रहा जी क्लियोपेट्रा। अरे पस मंज़र में जो तस्वीर है ये उसी क्लियोपेट्रा की है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये हवस की बिल्ली है, ठीक है ना, और जिसके हुस्न का एक ज़माना मोतरफ था। क्लियोपेट्रा वही खातून है कि जिसकी अपने एक भाई के साथ शादी हुई कम सन, और उसके बाद उसके दूसरे भाई के साथ शादी हुई, क्योंकि वो ज़माना था जब फिरौन में और मिस्र के अंदर एक रवाज था कि जो मलकाएँ या शहजादियाँ जो थीं वो अपने भाइयों से शादी किया करती थी। पहले उसके एक भाई के साथ शादी हुई तो जंग वो मारा गया, काम आ गया, तो दूसरे भाई के साथ उसके मरासम अच्छे नहीं हुए, तो वहाँ हम देखते हैं कि बादशाह अगस्तस जो कि रोम का शहनशाह था वो अपने बीवी और खावन के दरमियान सुलह करवाने के लिए आया, लेकिन वह क्लियोपेट्रा के इश्क में मुब्तला हो गया और यूँ उसने क्लियोपेट्रा से शादी की, और बल्कि शादी से पहले वो उसके नाजायज़ बच्चों का एक दो बच्चों का बाप भी बना, और बाद अज़ां जो है वो क्लियोपेट्रा भी यही चाहती थी, वो उसको लेके अपने मुल्क रोमा इटली चला गया जी। तो ये क्लियोपेट्रा जी के जिसके हुस्न का एक दुनिया मोतरफ रहा है, ठीक है, तो आज उसकी लियोनार्डो डा विंची की इस आला तरीन इस कहने के जो आर्ट का नमूना है उसके सामने मैं आपके सामने खड़ा हूँ जी। आप देख सकते हैं हसन नाजिश को पेरिस लूअर म्यूजियम के सामने, ये देखिए जी ये कत्ल किया जा रहा है। कत्ल आशिक किसी मशूक से कुछ दूर तो न था, हाँ मगर तेरे अहद के आगे ये दस्तूर तो न था जी। नाज़रीन इस वक्त में लूअर म्यूज़ियम का पूरा मुकम्मल विज़िट करने के बाद यहाँ बाहर हम आ चुके हैं, यहाँ आपको मुख्तलिफ सिवेनियर्स नज़र आएंगे जो ख़ास तौर पर जो है वो गाइड बुक्स हैं लूअर म्यूज़ियम के हवाले से, और आपको जगह जगह देखें यही एक तस्वीर जो हस्ती मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको मोनालिसा का नज़र आ रहा है, ये नज़र आता है आपको। मुख्तलिफ सिवेनियर्स हैं जी, बॉल पेन हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और स्टेशनरी आइटम्स हैं और मुख्तलिफ गाइड बुक हैं जी। और अभी भी इस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं और सयाहों की एक कसीर तादाद अब भी अंदर जाने को बेताब है जी। और ये सिवेनियर शॉप है जी, मुख्तलिफ किस्म के, ये आपको 7.5 यूरो का तकरीबन मिल रहा है जी। साथियों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लूअर म्यूज़ियम पेरिस में और हमारा दौरा मुकम्मल हो चुका है, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं और वो लूअर म्यूज़ियम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं। हेलो हेलो, I am Frederik from Belgium, and I really liked the museum. It was very beautiful, too good for words. It is very very big, so I couldn't see everything. I needed to rush a bit, but it was very beautiful. I loved it. Thank you so very much. Well done. जी साथी, ये कुछ और साथी खड़ी हैं ख़वातीन हमारे साथ, ये भी लूअर म्यूज़ियम के बारे में जानना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो Hello, the museum was really nice. It was really big and I really enjoyed it. Your name? Zumra. Zumra, you're from? Belgium. You're from Belgium, yes. Okay. I love the Brussels and I love the Belgian chocolates. Yes. I visited there, the pink boy especially. Yes, yeah. Yes, yes. Hello. Hello. How are you? I'm good, how are you? You're again from Belgium? I'm also from Belgium. Okay. How was that museum? The museum, it was very fun, I enjoyed it. Which of the pictures do you like the most? Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Yeah, I do. And the sculpture, which sculpture? Eros and Psyche. Psyche, okay. Psyche, yeah. So nice of you, Ji. These are the young guys who are here to visit and observe the Louvre Museum. And any message to my viewers all across the world? I love you all. Like and subscribe for more. Okay, thank you so very much.